देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश चौधरी है और मैं भारत के छोटे से राज्य तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारे राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी कम हद तक है, जहाँ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेतों की शक्तियों पर आज भी विश्वास करते हैं। समय के साथ साथ लोगों के दिमाग में शिक्षा का प्रसार होना एक सामान्य बात हो चुकी है, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें अपने पुराने रंग में आती हैं तो उनका खौफ छोटे छोटे इंसान की आंखों में भी झलकने लगता है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, मेरा गांव जिसका नाम पिपराली है, वह आज पूरी तरह वीरान हो चुका है। गांव के वीरान होने का सिर्फ एक ही बड़ा कारण था और वो था गांव के अंदर फैली गंदगी, जो अब पूरी तरह विकराल रूप ले चुकी थी। सूरज ढल चुका था। हमेशा की तरह आज भी दिन तो सामान्य था, लेकिन रात काफ़ी भारी थी। कुछ लोगों के मुताबिक आज एक ऐसी रात को जन्म देने वाले थे जो अमावस्या से भी ज़्यादा काली थी। ग्रह अपनी आकृति को कुछ इस प्रकार से सिद्ध कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके बैठे रहे, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों में डर और खौफ का संचार तो बचपन से ही होता था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। सन 1997 की इस रात सब कुछ उथल पुथल होने वाला था, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने कल्पना तक नहीं की थी। रात के तकरीबन 9:30 बजे तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था मानो लोगों ने सिर्फ बातें बनाई हैं, बाकी असल में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। गांव के लोगों ने कहा था कि गांव में कुछ ऐसी चीज़ें भटकने वाली हैं जिसकी वजह से मौतों का पहाड़ सा टूट जाएगा। गांव के काफ़ी लोग इस चीज़ से बेहद बुरी तरह से सहम गए। मैं भी अपने घर की खिड़की से झाँकते हुए बाहर का दृश्य देखने लगा। हालांकि मैं इतना छोटा नहीं था कि घर वाले मुझे घर से ही बाहर न निकाल दें। मैं खुद की मनमर्जी का मालिक था और मैं जब चाहें अपनी जिद का आक्रोश बढ़ाकर घर से बाहर निकल सकता था, लेकिन इस समय मुझे घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और उसी वक्त मेरे घर से बाहर मुझे अपना पुराना दोस्त संदीप दिखा, और संदीप को देखते ही मेरी आँखें चमक उठी। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया और फिर क्या था, तफरी मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। फिर मैं अपने घर से बाहर निकलने लगा, लेकिन पापा ने मुझे वहीं रोक लिया। शायद उस वक्त मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी, तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत समझदार था। मैंने अपने पापा को आश्वासन दिया कि मैं जल्दी घर लौट आऊँगा, और उन्होंने मुझे 11 बजे से पहले ही घर पर आने को कहा। और फिर क्या था, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने चल दिया। हम तीनों दोस्त घूमते हुए गाँव के अंतिम छोर तक पहुँच गए, जहाँ से हमारा गांव अंधेरे की एक चादर में डूबा हुआ दिख रहा था। गांव के अंदर बिखरा हुआ सन्नाटा आने वाले तूफान के बारे में कुछ लंबे चौड़े संकेत दे रहा था। तभी मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर लगे एक छोटी सी लाइट के पास खड़ा था, और इसी बीच मुझे किसी चीज़ के अंदर से इधर उधर डगमगाने की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है, लेकिन वो कौन है और उसका क्या उद्देश्य है, मैं तो इस बात को समझ पाने में अभी भी नाकाम था। मेरा दिमाग संपूर्ण तरीके से अपने दोस्तों की बातों पर टिका था, और उसके बाद हमारे ऊपर लगी वो लाइट अचानक से ही क्लिप करने लगी। उस लाइट को कोई यूं फ्लिप करता देख हम दोस्तों के अंदर अफरा तफरी सी मचने लगी। मैं अपने दोस्त के कान में कहने लगा, यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके का एहसास नहीं किया। मेरे दोस्तों का भी यही मत था। हम तीनों दोस्तों को थोड़ा बहुत ऐसा अजीब तो हुआ, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दिया और फिर आपस में यूं ही बातचीत करने लगे। बातचीत करते समय संदीप ने कहा, अरे भाई, तेरे को पता है ना, आज मैंने एक लड़की को प्रपोज कर दिया। उसकी क्यूट सी स्माइल मुझे बड़ी ही पसंद है यार। अरे उसका वो मासूम सा चेहरा और साथ ही उसके काले काले कपड़े। संदीप के इतने कहते ही कुछ अजीब सा हुआ, और उसके साथ ही सब कुछ एकदम से थमने लगा। आंधी और तूफान का एक नज़ारा सा देखने को मिला। दरअसल एक तेज हवा के झोंके ने सब कुछ एकदम से बदल दिया। हम सभी के मन में एक डर सा उत्पन्न होने लगा। जब वो सारा नज़ारा एकदम शांत हुआ, तब मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल भी अपने सामने की तरफ काले रंग के कपड़े पहने एक लड़की दिखी।
उस लड़की का पहनावा थोड़ा अजीब था, लेकिन देखने में वो लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे एक पल की खातिर देखता रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने अपना मुंह मेरी तरफ फेरा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह की जगह एक कंकाल नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर हड्डियों से भरा पड़ा था। उस लड़की की एक एक हड्डी मुझे अपनी आंखों से साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से उसने खाना ग्रहण ही नहीं किया। वो एकटक हम सभी को अब घूरने लगी थी और फिर एक डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम सभी गंदी मौत मरोगे। तुमने एक ऐसी रात को चुना है जो न केवल तुम्हारी जान लेगी बल्कि तुम्हें एक दर्दनाक मौत भी देगी। इतने में उस लड़की के पीछे भूतों की एक विशाल सी टोली दिखी। ऐसा लग रहा था मानो सभी के सभी भूत आज इकट्ठा होकर गांव में कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन सभी भूतों में एक बात कॉमन थी कि उनका आधा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन आधे शरीर का सिर्फ कंकाल था। उनके पेट के नीचे का पूरा शरीर एकदम इंसान की तरह ही बना हुआ था। उस वक्त मुझे भी अपने आप पर गुस्सा आने लगा। पापा की मना करने के बावजूद भी किसी तरह मैं यहाँ तक पहुँचा था और मैं सीधे तरीके से मौत के मुंह में आ गया। यह एक ऐसा खौफनाक दृश्य था जो मेरी जिंदगी में एकमात्र डरावना सीन था। उस दौरान मैं पीछे मुड़ा और जिस तरफ चाहा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे कंधे पर बैठ चुका है। वजन इतना ज़्यादा भारी था कि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने के बावजूद भी अपनी जगह से हिलडुल पाने में पूरी तरह से नाकाम था। संदीप ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ लो, जब हम सभी एक साथ रहेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हाँ, याद से सभी लोग भगवान का स्मरण करते रहना। हम सभी दोस्तों ने वही किया, लेकिन आज होनी को कुछ और ही मंजूर था। उन सभी प्रेतों के ऊबड़ खाबड़ पांव हमारी तरफ बढ़ने लगे और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। दरअसल हमें ऐसा लगा कि कोई चीज़ हवा में उड़कर हमारे ऊपर गिर गई। हम तीनों दोस्त एक साथ नीचे गिरे, लेकिन अभी भी हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ रखे थे। उस समय मेरा दिमाग सटक चुका था, लेकिन मैं अपने आप को संभालने लगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों को वहाँ से निकलने का कोई ना कोई सुझाव देने का प्रयास करने लगा। लेकिन तब तक भूतों की वो टोली वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे थोड़ी राहत की सांस तो ज़रूर मिली, लेकिन साथ ही साथ डर इस बात का था कि कहीं वो दोबारा प्रकट ना हो जाए। हम तीनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन उसी समय हमने देखा कि हम एक गहरे कुएं के अंदर गिर चुके हैं और वो कुआँ इतना ज़्यादा गहरा था कि हम सोच भी नहीं सकते, और उस कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था जिसके कारण हम अपनी जान बचा सकें। फिर सब हमने एक बार ऊपर की तरफ देखा तो हमने पाया कि कुछ शैतान उल्टे लटके हुए थे जिनकी डरावनी आंखें लगातार हमें ही देख रही थी। लेकिन मेरे दोस्त का कहना था कि वो इस कुएं से निकलने का रास्ता जानता है। तभी उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, अपनी बाई तरफ एक टर्न ले लो और हाँ, भूल कर भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। हमारा वो दोस्त एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था जिस वजह से मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वो भूत प्रेत से पीछा छुड़ाना भी जानता था। शायद वो हमारी एक बहुत बड़ी जीवन बचाने की एक किरण थी। लेकिन दूसरी ओर हमारे एक दोस्त संदीप बुरी तरह से घबराया हुआ था और अब उसके हाथ पांव पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे। हम अपने इस दोस्त को गंभीर अवस्था में देखकर बेहद दुखी थे। बचने का एकमात्र रास्ता था जो सिर्फ और सिर्फ जितेश जानता था। जितेश हमारी न केवल एक उम्मीद थी बल्कि समझ जिंदगी का आने वाला फ्यूचर भी था। एक गलत कदम और हमारी मौत के दरवाजे खुल जाते। फिर एक हंसने की आवाज़ ने हमें एक बार फिर कपकपा सा दिया। ये आवाज़ मेरे बगल से आ रही थी और इस आवाज़ ने मुझे इस कदर डरा दिया था कि अब मेरे कदम बुरी तरह से थर थर काँप रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ा बहुत भी अपने कदमों को आगे पटक सकूँ, लेकिन जितेश की तीक्ष्ण बुद्धि ने हमें लगातार आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और उस दिन हम अपनी जान बचाकर सीढ़ियों की सहायता से उस डरावने कुएं से बाहर निकल गए। और उस कुएं से बाहर निकलते ही हमें अपने पीछे से जलने की बहुत तेज बदबू आई और इससे ज्ञात हो रहा था कि अगर हम कुछ पल के लिए उस कुएं के अंदर रुक जाते तो फिर हमारी मौत के दरवाजे बस हमारी पलकों के सामने होते। खैर, हम अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकल गए और उस घनी रात में अपने अपने घर लौट गए। उस दिन को आज कई साल बीत चुके हैं।
लेकिन इस घटना ने मेरे दिल में इस तरह जगह बनाकर रखी है कि मैं घनी रात में अपने घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। आज भी मैं इस घटना को याद करने के बाद बुरी तरह से कांप उठता हूँ, और मेरे दोस्त भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का यह एकमात्र ऐसा हादसा है जिसने हमें इतना डरा दिया था। जब हमने इस घटना के बारे में गांव के कुछ लोगों से वर्णन किया, तब हमें पता चला कि तकरीबन 19 साल पहले पूरी की पूरी जाति निवास करती थी। लेकिन एक दिन जब वो सभी कुएं से पानी बाहर निकाल रहे थे, तो फिर घृणा के चलते किसी एक इंसान ने दूसरे को उस कुएं के अंदर धक्का मार दिया और वो तड़प तड़प कर मर गया। कहते हैं उस दिन के बाद उस गाँव की आबादी कम होने लगी, और देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर पूरा का पूरा गाँव खामोशी में डूबने लगा। लेकिन आज उस गांव के अंदर कुछ बुरी शक्तियां निवास करते हैं जो इंसानों को घनी रात के अंदर मौत के द्वार तक पहुंचा सकती हैं। वह एक ऐसी रात होती है जब उन शक्तियों की ताकतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।